नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल की पहली एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पारायण के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, एकादशी जो होती है वो पुत्रपदा एकादशी साल की पहली एकादशी होती है। एकादशी हर वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों व पुराणों में इस एकादशी के व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के पुण्य फल से भगवान विष्णु के लोक का दरवाज़ा खुला रहता है और पुण्यात्माओं को वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि पूजा विधि और महत्व क्या है। पुत्रपदा एकादशी साल में दो बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में, दूसरी एकादशी जो है पौष मास में आती है। दोनों ही एकादशी का समान रूप से महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की तरक्की और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी इस एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने से, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से जन्म जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का उपवास करने और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिल जाता है भक्तों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी द्वादशी आप जिसका भी व्रत रखते होंगे वो व्रत आप रखिए। एकादशी के दिन चावल खाना निषेध होता है। अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर के आप संकल्प करिए एकादशी व्रत करने का और विष्णु भगवान के सामने फूल और जल लेकर के ये संकल्प आप करना है। कुछ सिक्का उसमें डाल लीजिए। अब आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। पौष मास शुक्ल पक्ष 2024 एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार से शाम 7:27 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी रविवार को 7:27 तक ये रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 जनवरी को 7:28 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सोमवार शाम जो है 7:52 पे ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप ये पूरे दिन का मान करेंगे द्वादशी का। पहले दिन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो पहले दिन गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। द्वादशी वाले जो तिथि है उसमें वैष्णव संप्रदाय और हमारे संत लोग करते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन उपवास रख सकते हैं, दिन भर निराहार रह करके शाम को आप फलहार करिए। एक कोई अन्न भी शाम को अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप उसे ले लीजिए। उस अन्न में आप चावल का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि चावल नहीं होना चाहिए। अगर आप फलहार रख सकते हैं तो अति उत्तम है। आप फलहार से ये व्रत अपना पूरा करिए। व्रत का पारण तिथि है, मुहूर्त है 22 जनवरी को 2024 सोमवार को 7:13 से 9:50 तक आप अपना पारण कर लीजिए। जो भी आप व्रत रखते हैं उसका पारण आपको अवश्य ही सही समय पे करना चाहिए। एकादशी में हरिवासन के समय आपको पारण नहीं करना है, इसलिए आज उसका भी समय आप जान लीजिए। और कोई भी पूजा पाठ करने से पहले अपने मन को और आत्मा को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। हो सके तो आप व्रत रखने के बाद जो है, अपना व्रत पूरा होने के बाद आप किसी भी देवालय में जाके या ज़रूरतमंद को दान अवश्य करें। तिथि वाले दिन भक्तों दान करने का अत्यधिक महत्व है। दान का फल बढ़ के हमें मिलता है, दो गुना बढ़ के मिलता है। 22 जनवरी 2024 सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा 7:13। सूर्योदय का शाम का समय अस्त होने का रहेगा 6:02 से। हरिवासन का समय समाप्त हो जाएगा 22 जनवरी सोमवार को 2:00 तक रहेगा।
राहु काल रहेगा 7:30 से 9 बजे, 7:30 से 9 बजे तक। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में आपने एकादशी के महत्व के बारे में जाना, पूजा विधि जानी और शुभ मुहूर्त शुभ तिथि जानी। अगर आज की दी हुई जानकारी भक्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सनातनी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। माता भगवती विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से कीजिए, और कोई भी गलती भूल हो जाती है तो खुद से तो उसके लिए क्षमा याचना कर दीजिए। हम बहुत अधिक प्रयासरत होते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर अनजाने में ही आपसे गलती हो जाए तो आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करिए। उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी व्रत आप रखते हो उस दिन आपको थोड़ा क्रोध से दूर रहना चाहिए। हो सके तो भगवती से प्रार्थना करें कि हे माता, आज के दिन क्रोध देवी को शांत रखिए, मुझे क्रोध ना आए। और आप भक्ति पूर्वक हरि हरि का नाम जपते हुए, विष्णु भगवान का नाम जपते हुए अपनी पूजा अपना व्रत संपन्न करिए। आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी लेकर के और शुभ मुहूर्त शुभ तिथि के साथ। नमस्कार भक्तों।